अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम चलते चलते के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट फातिमा राना। नाज़रीन, आज एक बार फिर से मौजूद हैं हम चर्सी टिक्का एंड फैमिली रेस्टोरेंट पर। और चर्सी टिक्का एंड फैमिली रेस्टोरेंट जो कि पेशावर का मशहूर है, इसकी एक ही ब्रांच है लाहौर में। और ये जो ब्रांच है ये मौजूद है अकबर चौक पर, फैसल टाउन में, और ये सॉल्ट एंड पेपर के बिल्कुल अपोजिट है। तो नाज़रीन, अगर आप भी टेस्ट करना चाहते हैं यहाँ के खाने तो ज़रूर आइएगा। वैसे भी नॉर्मली हम लोग खाने के लिए वेस्ट करते रहते हैं पैसे, कभी हम लोग पिज़्ज़ा मंगवा लेते हैं, बर्गर मंगवा लेते हैं, लेकिन वो फूड इतना हाइजेनिक भी नहीं होता और वो सेहत के लिए बहुत ख़राब होता है। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत से खाने मिलेंगे जो कि आपकी सेहत के लिए अच्छे होंगे। और इफ्तार में ख़ास तौर पर मनाए जाते हैं यहाँ पे खाने सहरी के लिए, इफ्तार के लिए, जो कि आपकी सेहत को ख़राब बिल्कुल नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पे मसाले जो डाले जाते हैं बहुत ही लाइट रखे जाते हैं ताकि आपकी सेहत ठीक रहे, सेहत का बहुत ख्याल किया जाता है। तो नाज़रीन, आप लोग ज़रूर एक बार आइएगा और यहाँ के खाने टेस्ट कीजिएगा। आज के प्रोग्राम में भी हम खाने टेस्ट करेंगे और उसके साथ साथ आपको रेसिपी भी बताएंगे यहाँ के किसी एक स्पेशल फूड की। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे, उनके कमेंट्स लेंगे, उनसे मज़ीद राय जानेंगे कि उनको खाना कैसा लगा। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं और यहाँ के खाने टेस्ट करते हैं, साथ में यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं। आइए चलते हैं। नाज़रीन, चर्सी टिक्का एंड फैमिली रेस्टोरेंट के हम बाहर के एरिया में मौजूद हैं। यहाँ पे हम सालम खड़ा दुम्बा बनाना सीखेंगे। नाज़रीन, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ कि ये बनता कैसे है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हलाल करने के बाद दुम्बे को उसमें से उसके दो पीस करके लैदा करके उसमें चावल डाले जाते हैं और वो जो चावल डाल के उसको बाहर से सिलाई कर दिया जाता है और इस तरह से बनाया जाता है ये सालम खड़ा दुम्बा। तो नाज़रीन, आइए चलते हैं और इनसे जानते हैं कि ये मज़ीद हमें बताएंगे डिटेल कि किस तरह से ये बनाया जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कट किया जा रहा है, इसकी जो दुम्बा है उसके डिफरेंट जगह पे कट्स लगाए जा रहे हैं और इसमें आई थिंक मसाला लगाया जाएगा। आपको बताते चलूँ कि बहुत ही मशहूर डिश है पख्तूनों की, लेकिन ये पख्तूनों की मशहूर तो डिश है ही, लेकिन लाहौर में इसकी ब्रांच मौजूद है चर्सी टिक्का एंड फैमिली रेस्टोरेंट की। तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हो और ये वाली डिश ट्राई कर सकते हो। बहुत शौक से वैसे तो खाते हैं पंजाबी भी, सिंधी भी, बलोची भी, सब इसको बहुत शौक से खाते हैं अब। लेकिन ये आपको बता चलूँ कि बहुत ही फेमस डिश है पख्तूनों की, तो लाहौरी तो खाने के बहुत शौकीन होते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ के टेस्ट करते हैं और सैरी और तारी इसी से करते हैं। आप लोगों में से कोई अगर रह गया है तो वो ज़रूर आए यहाँ पे, अपने बारे में बताएं कि आपने यहाँ पे कब काम स्टार्ट किया, आप कहाँ से हैं। मैं तो हूँ पेशावर से, मैं इधर काम करता हूँ, इधर कसाई हूँ मैं और इधर इस तरह सालम दुम्बा भी पकाता हूँ। हम कढ़ाई का उस्ताद भी होती के का उस्ताद भी हूँ, नमक मंडी से आया हूँ। हमारा घर जो है ना पेशावर में, इधर काम के लिए आया हूँ। पेशावर से खास आप इसके लिए आए? सिर्फ इसके लिए जी, इसके लिए और लाला के लिए। लाला के लिए भी और इस गोश्त के लिए भी। जी जी। अच्छा, ये जो डिश है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये कि ये लोग बहुत शौक से खाता है, वो ही गोश्त है, सीख में बन जाएगा, कढ़ाई में भी बन जाएगा, लेकिन सालम दुम्बा ऐसे चीज है तो ये लोग बहुत शौक से खाते है, मोहब्बत से खाते है। इसका अपना मसाला होता है, हमारा स्पेशल पेशावर वाला मसाला होता है और इधर स्पेशल इसको स्टीम देते और इधर स्पेशल बनाते। ये तीन किस्म होते है, सादा भी होते, चावल वाला भी होते, एक सादा होता है, एक चावल होता है। चावल में अंदर जो है ना इसमें मुर्गी डालते हो, मुर्गी में अंदर बटेरा, बटेरे में अंदर जो है ना अंडा। ये अभी सादा में बनाता हूँ, सिर्फ चावल वाला बनाता हूँ ये अभी इसमें चावल। तो आपने इसके ऊपर बॉडी पे भी कट लगाए हैं डिफरेंट, इसमें कोई मसाला लगाएंगे? इसके ऊपर मसाला लगाऊंगा, नमक लगाऊंगा, मसाला लगाऊंगा और ये चावल जो है ना इसके पेट में डालूंगा अभी। ये सारा काम आप करेंगे यहाँ से? जी जी, मैं तो इधर गोश्त भी काटता हूँ, उधर उस्ताद और भी हमारे साथ, बहुत स्टाफ है, चार पांच उस्ताद और भी है, क्योंकि हमारा काम तो एक बंदे का नहीं है ना, चार पांच उस्ताद है हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह 18-20 दुम्बा निकल जाएगा दिन का। चले, चावलों के बारे में बताएं कि ये चावल जो है ये उबाल के डाले जा रहे हैं? ये कबली पुलाव पका हुआ है, ये कबली पुलाव हम इसके लिए अलग तैयार करते हो, हमारा 7-8 दुम्बे रोज का निकल जाएगा। ठीक है, इसके लिए अलग कबली पुलाव तैयार करते, इसमें गाजर वगैरह ये होगा, ये कबली पुलाव है, इसमें अंदर इसके पेट में डालूंगा और उसके बाद इसको क्या सिलाई करूंगा आपको दिखाऊंगा। ये जो काबली पुलाव है इसकी क्या रेसिपी है, ये क्या कुछ इसमें डाल चुके हैं आप इसमें डालने से पहले? ये जो है ना हमने छोटा गोश्त में पकाया है, छोटा गोश्त में पकाया है काबली पुलाव, इसका ये मेवा है और ये गाजर वगैरह, ये स्पेशल चावल है,
ये कबली पुलाव इसको कहते हैं। इसलिए इसके ब्रेड में डालोगे इसके साथ बहुत मज़ा आ जाएगा। इसका अपना टेस्ट होता है और इसका टेस्ट इसमें आ जाएगा तो फिर और भी मज़ेदार आ जाता है। अच्छा मलंग उस्ताद जी, ये जो चावल मुझे नजर आ रही, मेरा ख्याल है कि इसको उबाला गया है, बॉईल किया गया है और उसके बाद इसमें बाकी चीज़ें ऐड की गई हैं। जी जी जी, ये उबाल इसलिए उबाल करते हो कि इधर हमारा 7-8 दुम्बे रोजाना निकल जाते हैं। इसके लिए हम अलग 7-8-10 किलो चावल अलग उबाल के रखते हो, सिर्फ इस दुम्बू के लिए, सालम दुम्बू के लिए रखते हो और कोई चीज़ के लिए भी नहीं रखते हो। ये हमारा अलग डिश है, सिर्फ इसके लिए 7-8 दुम्बे हमारा रोज का निकल जाएगा इंशाल्लाह। चलिए जी, आप डाल के दिखाइए। दुम्बे को ऊपर लाया जा चुका है जहाँ इनका किचन है और आपने देखा कि इसको फिल किया गया चावलों से, काबली पुलाव से, उसके बाद इसको सिलाई किया गया। अब ये ऊपर आ चुका है, अब यहाँ पे मसाले लगाए जाएंगे। मर्दान के मशहूर शहाब उस्ताद हमारे साथ हैं और ये हमें बताएंगे कि इसके आगे क्या किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? सब ठीक है। ये मसाला जो हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर, तो ये खास किस्म का मसाला कहाँ से आया है? ये जी हम पिशावर से मंगाते हैं स्पेशल इसके लिए। पिशावर से स्पेशल इसके लिए मंगाया जाता है? इसके लिए मंगाया जाता है। चलें अब इसको लगाएं और लगाना सिखाएं हमें। अब सामने देखेंगे तो हम लगाएंगे तो आप देखेंगे। इधर हमने टक लगाया हुए, ये टक के जोड़ के अंदर ये इसको ऐसे लगाना है ताकि ये मसाला इसके अंदर चले जाए। नाज़रीन, ये जो आपको कट्स लगे नजर आ रहे हैं, जो नीचे इनके जो कट कर रहे थे उन्होंने लगाए थे ये कट्स, इन 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 सारे कट्स के अंदर ना मसाला लगाया जाएगा ताकि अच्छे से अंदर चला जाए, जज्ब हो जाए, ताकि ये मसाला इसके अंदर स्पाइसी बने। हाँ, स्पाइसी मजे का स्पाइस होगा, लेकिन स्पाइस वो होगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट एक टांग पे लगाया जा चुका है, अब आगे लगाएंगे। जहाँ जहाँ अभी कट्स हैं सब पे लगाया जाएगा और कट्स ऑलमोस्ट पूरी पूरे दुम्बे पे हैं और ये कट्स पे लगाया जा रहा है। ये इसे मसाले का भर देते हैं हम लोग ताकि ये स्पाइसी हो जाते हैं, कोई ज्यादा मांगते तो हम इसको ज्यादा ही लगाते हैं। मोस्टली होता है कि दोस्त फ्रेंड्स जो होते हैं प्लान करते हैं कि कहीं जाएं और पार्टी की जाए और दुम्बा उड़ाया जाए, तो यहाँ पे आ सकते हैं और ये पूरे का पूरा दुम्बा भी आप ऑर्डर कर सकते हो और मज़े का ये जो टेस्ट कर सकते हो, इंजॉय करोगे दोस्तों के साथ। सर ये अब उस दूसरी साइड पे भी लगाएंगे? बस आप जैसे मांगेंगे, ये लगाते स्पाइसी बनाते हैं ना, ये सब मिक्स करके मसाले बिल्कुल मसाले से भर देते हैं, खाली ये चर्बी वगैरह रह गई ये सारा पिघल जाते हैं, ऐसा बन जाते हैं बिल्कुल नरम की तरह, मोम की तरह नरम होते हैं, क्रिस्पी हो जाता है बिल्कुल। क्रिस्पी हो जाते हैं।
तो इसको दूसरी साइड, एक साइड पे ऑलमोस्ट लग चुका है मसाला, अब दूसरी साइड पे लगाया जाएगा मसाला और उसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। ये इसकी दूसरी रन है, इसमें भी कट लगा हुआ है ताकि ये कट में देखो ये मिसाल हम लोग भरते हैं, ये मसाले की वजह से ये नमकीन भी आते हैं, स्पाइसी भी आते हैं। सालम खड्डा दुम्बा, ओके सालम खड्डा दुम्बा इस बड़े से पतीले में डाला जाएगा और इसे हीट पे बनाया जाएगा। उससे पहले इसके इर्द गिर्द सारे जो कॉर्नर्स हैं उस पर आटा लगाया जा रहा है, तो ये आटा मेरे ख्याल में इसलिए लगाया जा रहा है ताकि अंदर से हीट बाहर ना आए, जो स्टीम होगी वो अंदर ही रहे ताकि स्टीम पे प्रॉपरली बन सके, ताकि ये इसके अंदर जो गैस होते हैं ना ये जम जाते हैं, इसकी बाप में ये तैयार होता है। तो ये वो स्टीम में बनाया जाता है, इसलिए इसको पूरा प्रॉपरली पैक एक तरह से समझ ले किया जा रहा है। इसके बाद इसमें सालम खड्डा दुम्बा जो मसाले लग चुके हैं वो इसमें डाल दिया जाएगा और नीचे से हल्की सी हीट कर दी जाएगी। तो इसको बनने में कितने घंटे लगते हैं? इसके बनने में 3 घंटे लग जाते हैं। 3 घंटे लग जाते हैं? हीट कितनी की रखते हैं नीचे? इसकी इसकी प्रेशर रखते हैं जी, कितना का फुल प्रेशर पे डबल, ऊपर से कोयला डाल देते हैं, नीचे जो है चूल्हा लगवाते हैं ताकि ये डबल आग ले लेते हैं। ये डायरेक्ट इस पतीले में डायरेक्ट रख दिया जाता है या कुछ और चीजें रख के फिर रखा जाता है? नहीं, डायरेक्ट लगा देते हैं ताकि इसके अंदर पानी होते, ऑयल होते, लहसुन होते, इसकी खुशबू के लिए हम लोग बादाम मसाले होते हैं, मसाले मंगाते ताकि इसका खुशबू भी स्मेल वगैरह नहीं आए। अभी आप डालें और आगे देखते हैं। नाज़रीन, अब ये ढक्कन देने के बाद इसके ऊपर कोयले रखे जाएंगे, ऊपर इसके कोयले रखे जाएंगे, नीचे से भी फुल हीट दी जाएगी, उसके बाद स्टीम बनेगी और स्टीम से ही ये सालम खड़ा दुम्बा तैयार किया जाएगा। जितनी इसकी ख़ास किस्म की डिश लग रही है ना, बनने का जो तरीका बहुत ख़ास है तो टेस्ट भी उतना ही ख़ास है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि अब इसके ऊपर कोयले रख दिए गए हैं ढक्कन देने के बाद और नीचे से भी अभी थोड़ी देर में हीट, फुल हीट कर दी जाएगी और इस फुल हीट में ये स्टीम आए, स्टीम से ये बनेगा सालम खड़ा दुम्बा। सालम खड़ा दुम्बा मैं क्लियर करती चलूँ, सालम खड़ा दुम्बा बनने वाला है और ये कोयले ऊपर रख दिए गए हैं, नीचे से फुल हीट दे दी गई है ताकि अच्छे से स्टीम बने और उतना ही अच्छे से ये सालम खड्डा दुम्बा बन सके और इसके बाद लोग टेस्ट कर सकें और मज़े ले सकें, मज़े से सहरी कर सकें, मज़े से इफ्तार कर सकें चश्ती तिक्का एंड फैम रेस्टोरेंट पर। और तकरीबन 3 घंटे लगने वाले हैं इसको बनने में।